Students, the last lecture we have discussed some topics of this fourth chapter, chassis repair and maintenance. In this particular lecture, the contents we will discuss are repairing of tire tube, which earlier we have discussed. Next, reasons of tire wear, creasing of wheel bearing, and rotation schedule of front and rear wheel. These will be the topics today. So first, repairing of tire and tube. This earlier we also have discussed, but we can revise it. Tire की सतह पर बने उभार का घिसाव निम्न पर निर्भर करता है. तो आपने देखा होगा टायर के ऊपर उभार बने हुए होते हैं, जो कि जब वो घिस जाते हैं पूरे, तो हम ये कहते हैं कि टायर हमारा खराब हो गया है, अब हमें चेंज करने की जरूरत है. किस कारण से वो उभार घिसते हैं? रोड के सरफेस, रोड का अगर खराब सरफेस है उससे वो घिस जाते हैं. नंबर ऑफ कर्व्स, अगर रोड पर बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं उससे घिस जाते हैं. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रैफिक में हमें चलना पड़ रहा है, उससे घिस जाते हैं. एनवायरनमेंट, अगर गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तब भी वो ज़्यादा घिसते हैं. वेट ऑफ व्हीकल, अगर व्हीकल का ज़्यादा वेट है या हम लोड कैरी करते हैं अपने व्हीकल में, तब भी ज़्यादा घिसते हैं. एयर प्रेशर इन टायर, टायर में अगर एयर प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तब भी ज़्यादा घिसते हैं. नेक्स्ट, एक्सपर्टीज ऑफ ड्राइवर, अगर हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है तब भी ज़्यादा घिसते हैं. नेक्स्ट है रीजंस ऑफ टायर भी, और इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? टायर में वायु अधिक भरी होना, एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा होती है तब भी वियर होता है, और लिमिट से कम होती है तब भी ज़्यादा वियर होता है. व्हील संरेखित न होना, व्हील अलाइनमेंट, व्हील का अलाइनमेंट गड़बड़ होना, जिससे कि व्हील का घिसाव, व्हील के जो आउटर सरफेस होता है उसका ज़्यादा घिसाव होता है. व्हील का संतुलित न होना, व्हील बैलेंस ना होना, उससे भी क्या होता है, एक अनबैलेंस फोर्स रोटेट करता है जिससे कि ज़्यादा घिसाव होता है. अत्यधिक ब्रेक लगाना, अगर आप भीड़ में कहीं पर चल रहे हो आपको बार बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा घिसाव होता है. अकस्मात अत्यधिक त्वरण, तेज़ी से आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, व्हीकल को बहुत तेज़ी से दौड़ा रहे हो, तब भी ज़्यादा होता है. स्टीयरिंग यंत्रावली का घिसाव होना, अगर आपका स्टीयरिंग यंत्रावली, स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो घिसी हुई है, तब भी ज़्यादा वियर होता है. अधिक भार लदा होना, अगर अधिक भार है आपके व्हीकल पर, तब भी ज़्यादा घिसाव होता है. रिपेयर हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर टायर में छोटा कट लगा है तो हम कोल्ड पैच, उस पर कोल्ड पैच लगा करके, छोटा टुकड़ा लगा करके हम ठंडा टुकड़ा उसको रिपेयर कर सकते हैं. अगर बड़ा कट लगा है तो वल्केनाइजिंग या गर्म करके उसको हम रिपेयर करते हैं. अब घिसी हुई ट्रेड को रिट्रेडिंग अथवा रिकैपिंग द्वारा रिपेयर कर लेते हैं. अगर उसकी आउटर सरफेस जो व्हील का है वो घिसा हुआ है, तो उसको हम अलग से एक रबर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, रबर का सरफेस, जिसको रिट्रेडिंग या रिकैपिंग कहते हैं, उसके द्वारा भी हम रिपेयर कर सकते हैं. आजकल आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम हमारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर हैं, उसमें ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं. उनमें क्या है कि जो पहले जो टायर्स होते थे उसमें जो एयर होती थी वो ट्यूब्स में होती थी, लेकिन अब जो टायर आ रहे हैं उसमें ट्यूब नहीं है, सीधा टायर में ही हवा भरी होती है. उसका बेनिफिट क्या है? उसमें पंचर बहुत कम होते हैं, ठीक है, टायर में पंचर बहुत कम होते हैं, और पंचर होने पर हवा देर से निकलती है. अगर कहीं पे भी आप रूरल एरिया में या कहीं रिमोट एरिया में आप हो, वहाँ पे पंचर हो जाता था पहले, तो आपको दिक्कत होती थी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, अगर वो पंचर हो जाएगा तो काफ़ी टाइम बाद हवा निकलेगी, तब तक आप मैकेनिक के पास तक पहुँच सकते हैं. नेक्स्ट, ग्रीसिंग ऑफ व्हील बियरिंग. व्हील बियरिंग की हम ग्रीसिंग कैसे करेंगे? तो पहले फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील पर ग्रीस लगाने के लिए क्या करते हैं, हम हब निकाल देते हैं और ग्रीस को ग्रीस गन से या हाथ से ग्रीस भर दी जाती है, ठीक है. तो या तो ग्रीस गन या हम हाथ से भर देते हैं. रियर व्हील में क्या होता है? रियर व्हील में कई तरीके से हम ग्रीसिंग करते हैं, बेसिकली वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है. एक इस टाइप के वाहन आ रहे हैं, ऐसे वाहन हैं जिनमें स्नेहन डिफरेंशियल से प्राप्त होता है, जिसमें रियर व्हील में क्या होता है, जो डिफरेंशियल दिया होता है उससे लुब्रिकेशन प्राप्त होता है. दूसरे वाहन है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बॉल बियरिंग यूज कर रहे हैं, जैसे कार्स में होता है आजकल, जो बियरिंग है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, उसमें लुब्रिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. संपीड़न ग्रीस कप की सहायता से, तो ग्रीस गन एक होती है उसकी सहायता से हम, कंप्रेस ग्रीस कप होता है उसकी सहायता से हम ग्रीसिंग कर लेते हैं. दूसरा नेक्स्ट है बियरिंग निकालकर हाथों से ग्रीस लगाते हैं. कई बार हम बियरिंग निकाल के हाथों से भी ग्रीस लगा लेते हैं. अब है रोटेशन शेड्यूल ऑफ फ्रंट एंड रियर टाइप्स. सैद्धांतिक रूप से हम क्या करते हैं, सभी टायर समान रूप से घिसने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली क्या होता है, आइडियली सारे टायर समान रूप से घिसने चाहिए, लेकिन आइडियली प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. कोई ज़्यादा घिसता है, कोई कम घिसता है. मैक्सिमम जो वाहन निर्माता है अधिकतर, वो 5,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के मध्य क्या करते हैं कि टायर को आपस में आपको चेंज कर लेना चाहिए. और एक थंब रूल क्या है, सबसे उत्तम टायर आगे लगाना चाहिए. ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये व्हील रोटेशन कार के लिए है या ट्रक्स के लिए है. इसमें क्या है, ये फ्रंट साइड है या रियर साइड है, इसी तरीके से ये फ्रंट साइड या रियर साइड, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट. इसमें क्या है, जो पीछे का राइट का है वो आगे लेफ्ट में जाएगा, पीछे का लेफ्ट का राइट में जाएगा, ठीक है, और जो फ्रंट लेफ्ट है वो हमारा स्टेपनी में आ जाता है. इसी तरीके से यहाँ पे है, फ्रंट में दो व्हील है, यहाँ पीछे चार हैं,
इसमें भी ये रोटेशन इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।